हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, सब मस्त। तो गाइस, मैं माना जैन वेलकम करता हूं आप सबका एप्पल टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां पे आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स जो हमें मिलते हैं एप्पल के वॉच ओएस 10 के अंदर। और ये फीचर्स ऐसे हैं कि जो आपको इंस्टेंटली एनेबल करने चाहिए जैसे ही आप अपने एप्पल वॉच को वॉच ओएस 10 पे आपके अपग्रेड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन फीचर्स के बारे में, और वो सारे फीचर्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लाइव मतलब कि आपको अपने एप्पल वॉच पे दिखाऊंगा कि आपको कैसे एनेबल करना है, उन फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो फीचर काम कैसे करता है, ताकि आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं ऐसे कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स हैं। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, जो एप्पल का वॉच ओएस 10 है तो उसको रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, तो मुझे लगा कि अब 1 वीक हो गया तो मुझे आप कुछ ऐसे फीचर बताने चाहिए जो हो सकता है कि आपको ना पता हो, और इवन मुझे भी नहीं पता थे। फिर जब मैंने उनको डिस्कवर करा तो मुझे वो फीचर क्या यहाँ पे पता चला। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो गाइज, ये है मेरी एप्पल वॉच ऐसी जिस पे मैंने वॉच ओएस 10 को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। गाइज, जो सबसे पहला फीचर हमारा आता है वो यहाँ पे आता है स्मार्ट स्टैक, जहाँ पे स्मार्ट स्टैक पे आप क्या करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। आपको अपने एप्पल वॉच पे यहाँ पे स्वाइप अप करना है नीचे से, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल एक नया सेक्शन मिलता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टैक, जहाँ पे एप्पल ने इसमें हमें बहुत सारे नए विजिट्स दे दिए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हमें दे दी हैं। आपने एप्पल के वॉच जो क्राउन है उससे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिप्स की विजिट मिलती है, आपके नीचे एक्टिविटी की विजिट है, यहाँ वेदर की विजिट है, और यहाँ पे और भी आपको कमाल की यहाँ विजिट्स मिल जाती हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप और एप्लीकेशंस पे भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमें नीचे कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता था वो एप्पल ने यहाँ से हटा दिया है, और जैसे हम यहाँ पे इसको स्वाइप करेंगे तो हमें एक नया बिल्कुल यहाँ पे एक स्मार्ट स्टैक हमें जैसा दिखता है, और यहाँ पे कुछ नए विजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल भी जाते हैं। और साथ में अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे विजिट्स को अपडेट भी कर सकते हैं, नई विजिट्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं प्लस पे जाऊँगा तो जो भी आपको नई विजिट यहाँ पे ऐड करनी है, सपोज़ मुझे यहाँ पे म्यूज़िक की विजिट ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी यहाँ पे म्यूज़िक की विजिट यहाँ पे मेरी ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, ये एप्पल म्यूजिक की विजिट यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे नए विजिट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक आईफोन की तरह यहाँ पे एप्पल ने नए विजिट्स वाले हमें ऑप्शन दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो यहाँ पे आता है वर्कआउट्स के अंदर, जहाँ एप्पल ने वर्कआउट्स को यहाँ पे अपडेट कर दिया है, जहाँ पे जो एक साइकिलिंग वर्कआउट जैसे हम करते हैं। तो साइकिलिंग वर्कआउट में दोस्तों क्या होता है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी एलिवेशन, हमारी स्पीड, हमारी हार्ट रेट, हमारा डिस्टेंस, सब चीज़ें हमें यहाँ पे मेजर करनी होती हैं। तो उस चीज़ को एप्पल ने वॉच ओएस 10 में यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव कर दिया है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं लॉन्ग यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वर्कआउट, तो अब एप्पल ने दोस्तों यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे ना अब आप वर्कआउट ऐप के अंदर ही, जब आपका वर्कआउट यहाँ पे ऑन होगा साइकिलिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो एप्पल वॉच है ना वो आपकी हार्ट रेट, आपकी एलिवेशन, आपकी स्पीड और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेगी, जो पहले थर्ड पार्टी ऐप्स में पॉसिबल था वो वॉच ओएस 9 के अंदर नहीं था। पर वॉच ओएस 10 के अंदर एप्पल ने बहुत बड़ा यहाँ पे अपग्रेड किया है, और एक कमाल का अपग्रेड और किया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिए। तो देखिए, जैसे ही मेरा ऑटो साइकिल का वर्कआउट है, और सपोज़ मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अभी आपके सामने मैं इसको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब जैसे मेरा जो साइकिलिंग का वर्कआउट है ये मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब उसके साथ हम नीचे सपोज यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो आपको नए जोन्स यहाँ पे एप्पल ने अपडेट कर दिए हैं। जोन्स के अंदर आपको जैसे अब यहाँ पे हार्ट का आपको सिंबल मिलता है, ठीक है। जैसे वर्कआउट यहाँ पॉज कर दिया क्योंकि यहाँ पे अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि अभी मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे एक नया आपको नए मोड्स मिलते हैं, सपोज ये नया व्यू है यहाँ पे आपको, ये दोस्तों यहाँ पे कल एक व्यू था कि जहाँ पे आपको स्पीड भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड भी आपको मेजर करके दिखाएगा। तो अपने आप कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई सा भी यहाँ पे चूज आप कर सकते हैं कि कौन सी आपको स्क्रीन यहाँ पे चाहिए। अब जो एक नया फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है वो ये दिया है कि आप अपने आईफोन के ऊपर ही आप इसको यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे अपना आईफोन खोला, मैं स्वाइप डाउन करूँगा और यहाँ पे सपोज मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो अपने आईफोन के ऊपर एक बड़ी डिस्प्ले पे आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं जो भी आपकी साइकिलिंग वर्कआउट है। यहाँ सपोज अगर आपकी एप्पल वॉच सपोज आपके बच्चे ने पहनी हुई है, ठीक है, आपको ये ट्रैक करना है कि वो ढंग से साइकिल चला रहा है, नहीं चला रहा, उसकी हार्ट रेट क्या है, वो कितने किलोमीटर पर आवर पे वो ड्राइव कर रहा है। तो अगर वो इससे आपका, अगर आपके आईफोन से पेयर्ड है तो आप यहाँ पे हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, एलिवेशन कितना है, और साथ में उसकी हार्ट रेट कितनी है। और यहाँ से आप इसको जैसे आप देखें तो यहाँ पे आप कंट्रोल्स भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और साथ में अगर आप नहीं चाहते कि आपको उसकी एक्टिविटी नहीं देखनी, तो जो जैसे आप स्टॉक व्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो वो यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ पे आके एप्पल वॉच पे भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और दोबारा अगर आपको व्यू करना है तो यहाँ व्यू पे आप क्लिक करिए और वापस से आपका यहाँ पे आईफोन पे वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन पे भी अब ये चीज़ यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं और आपकी एज अ लाइव एक्टिविटी भी वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो एप्पल ने यहाँ पे दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है माइंडफुलनेस। जहाँ दोस्तों पहले क्या था कि माइंडफुलनेस के अंदर कि हम ब्रीथ करने के लिए या रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था, पर अब एप्पल ने इसमें एक नया फीचर दिया है और ये फीचर मतलब बहुत ही कमाल का है। जो लोग सपोज जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये मतलब वो बच्चे भी हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम बहुत चीज़ें ट्रैक नहीं कर पाते, तो अब की बार एप्पल ने वॉच ओएस 10 में एक नया अपडेट ये दिया है कि आप अपने मूड को भी यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा एक एप्लीकेशन जो है हमारी माइंडफुलनेस, ये हमारी यहाँ पे आती है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट ऑफ माइंड। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कैसे यहाँ पे फील कर रहे हो। सपोज़ मुझे ये करना है कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, तो आप अपने डिजिटल क्राउन से आप जैसे इसको पीछे करेंगे तो आपको दिखेगा वेरी अनप्लीजेंट कि आप अच्छा आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे एनिमेशन देखिए चेंज होती है, कितना अच्छा लगता है, एकदम ऐसा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। तो सपोज़ मैं यहाँ करता हूँ वेरी प्लीजेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ये ऑप्शनल है कि आपको आंसर करना है नहीं करना, आप उसके बिना भी लॉक कर सकते हैं, पर ये आपको हेल्प करेगा कि कभी फ्यूचर में आपको चेक करना हो कि आपका उस दिन मूड कैसा था और किस वजह से था, तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्साइटेड, ये अमेज कर देता हूँ, चलिए अमेज कर दिया, और मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे नए ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा और साथ में आपसे पूछेगा कि व्हाट्स हैविंग द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन यू, कि किसकी वजह से हमें अच्छा लग रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी है या हम फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, हम सेल्फ केयर, हमारी हॉबीज़ बहुत अच्छी हैं, उनकी वजह से हमें अच्छा लग रहा है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ हॉबीज़ और साथ में मैं करता हूँ पे फिटनेस, तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया, मेरा मूड यहाँ पे लॉक्ड हो गया। तो ये एक मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है कि आप अपने मूड को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो आपको बार बार इस एप्लीकेशन के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्पल वॉच जब आप इसको सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम तो एप्पल वॉच आपको पूछेगा कि आपको एप्पल वॉच आपको खुद नोटिफाई करे या ना करे। तो अब क्या करता है कि एप्पल वॉच आपको खुद शाम को एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद यहाँ पे नोटिफाई करेगा, एक बार शाम को भी और एक बार दिन में भी, कि अपना मूड यहाँ पे आप लॉक करें और आप अपने मूड स्विंग्स को यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर पाएं। तो मतलब ये दोस्तों मतलब बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगा और बहुत मस्त फीचर था जो एप्पल ने हमें दे दिया, हमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है विजन को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने एक नया हेल्थ फीचर दिया है वॉच ओएस 10 के अंदर जिसको हम बोलते हैं टाइम इन डे लाइट। अब ये फीचर दोस्तों क्या है, ये हेल्थ ऐप के अंदर ही आपको मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका एप्पल वॉच के अंदर जो यहाँ पे एम्बियंट लाइट सेंसर जो आपका लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एम्बियंट लाइट सेंसर है तो जितनी भी कंपैटिबल एप्पल वॉचेज़ हैं, अब जैसे कि सपोज मैं आपको बता देता हूँ फीचर यहाँ पे किस पे काम करेगा, ये सारी एप्पल वॉचेज़ में यहाँ पे काम करता है जो भी एप्पल वॉचेज़ वॉच ओएस 10 पे अपडेटेड हैं। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे आपके एम्बिएंट लाइट सेंसर की मदद से कितना टाइम आप बाहर यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपका वो मेजर करता है और उसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट मिलती है। इसमें आपको दिखाएगा कि आपकी विजन हेल्थ कैसी है, कि सपोज जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे iOS 17 मैक ओएस पे और आईपैड ओएस पे एप्पल ने स्क्रीन डिस्टेंस का फीचर दिया है, तो वॉच ओएस पे आपको मिलता है टाइम इन डे लाइट का फीचर। इसमें क्या होता है कि एम्बिएंट लाइट सेंसर आपके एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और कि कितना टाइम आप बाहर स्पेंड कर रहे हैं या कितना टाइम आप अपने डिवाइसेस पे स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको अपने हेल्थ ऐप के अंदर एक रिपोर्ट देखने को मिलती है और उससे आपको पता चलता है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है कि जहां पे आपको पता चल सकता है कि आपके विजन पे इंपैक्ट नहीं हो रहा या आपके विजन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, यहां पे कितना नहीं पड़ रहा। तो ये फीचर भी एप्पल ने बहुत कमाल का दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हेयरिंग को लेकर, जहाँ पे आप जानते हैं कि एप्पल का शुरू से ही मोटिव है कि ठीक है, हमें एप्पल वॉच का जो मोटिव यही था कि एप्पल को ये चाहते हैं कि जो भी एप्पल वॉच पहने तो वो हर चीज़ से यहाँ पे सेफ रहे या फिर हर चीज़ उसको यहाँ पे पता चल जाए अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो एप्पल ने इस बार कुछ नए चेंजेस करे हैं नॉइज़ के अंदर। जब नॉइज़ एप्लीकेशन जो आपके एप्पल वॉच के अंदर होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, ये रहा नॉइज़। तो नॉइज़ पर जैसे मैं ओपन करूँगा तो देखते हैं, ये देखिए मेरी नॉइज़ अभी उसके बेसिस पे ये मेजर कर रहा है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो एप्पल वॉच ओएस 10 है इसमें नॉइज़ ऐप काफ़ी इंप्रूव हो गई है, जहाँ पे क्या है कि अगर सपोज़ आपके आसपास कोई ऐसा इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत ज़्यादा एक इतनी ज़्यादा नॉइज़ है कि अगर आप थोड़ी देर भी वहाँ रहेंगे तो आपकी हेयरिंग को इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर हमें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हमें इतना पता नहीं चलता, पर जो आपकी एप्पल वॉच है वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करती है, वो इस चीज़ को समझती है सेंसर्स की मदद से, और अगर आप उस नॉइज़ी इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक हैं तो आपकी एप्पल वॉच आपको पॉपअप दिखाएगी कि यू आर इन द नॉइज़ी इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ आपको पॉपअप
दिखाएगी और उसमें आपको बताएगी कि आप जितना जल्दी हो सके उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलिए ताकि आपकी हेयरिंग हेल्थ जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो। तो ये मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है कि जिससे कि आपकी हेयरिंग एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है और आपकी हेयरिंग भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो एप्पल ने दिया है वॉच ओएस 10 के अंदर, और ये बहुत एक ऐसा हिडन फीचर जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि नॉइज ऐप तो हर एप्पल वॉच के अंदर होती ही होती है, पर उसका यूज़ क्या है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए मुझे लगा कि ये फीचर भी यहाँ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है कंपास को लेकर, जहाँ पे आप जानते हैं कि एप्पल ने लास्ट ईयर वॉच ओएस 9 जब लॉन्च हुआ था, उसके साथ एप्पल वॉच अल्ट्रा जब लॉन्च हुई थी, तो एप्पल ने अपनी कंपास एप्लीकेशन को यहाँ पे अपडेट किया था। तो इस बार एप्पल ने एक बहुत ही नया कमाल का फीचर दिया अपनी कंपास एप्लीकेशन के अंदर। पहले हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, जहाँ पे अब इस फीचर में दोस्तों क्या होगा कि अगर सपोज कभी कभी हम ऐसी जगह पे होते हैं, सपोज आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आप हाइकिंग कर रहे हैं, तो उन एरियाज में नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस केस में अब एप्पल ने नया फीचर ये दिया है कि जिस लास्ट टाइम पे आपके मोबाइल के अंदर आपकी एप्पल वॉच जो आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड थी, तो वो उस पॉइंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। और अगर सपोज आप उस एरिया में बहुत टाइम तक हैं और आपको मोबाइल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कंपास एप्लीकेशन के अंदर जब खोलेंगे, तो जैसे आपको यहाँ पे सपोज सर्कल डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे वो आपको लास्ट कनेक्टेड पॉइंट दिखाएगा कि आपका किस पॉइंट पे वो नेटवर्क कनेक्शन था और उसके उस एरिया के आसपास और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क मिल सकता है। तो आप उस कंपास की आप इस कंपास एप्लीकेशन की मदद से आप उस जगह पे जा सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक बहुत ही मस्त फीचर है जो हमें एक होना ही चाहिए, और फाइनली एप्पल ने वो फीचर हमें यहाँ पे दे दिया है। और दोस्तों मतलब ये फीचर एक ऐसा है कि मतलब बहुत मस्त होता है लोगों के लिए जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क की कमी बहुत ज्यादा होती है। अब गाइस इसी में एक नया फीचर ये निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट कॉल वे पॉइंट। अगर सपोज आपके आईफोन 14 है या आईफोन 15 है, उसकी इन दोनों सीरीज में कोई सा भी आपका आईफोन है जिसमें आपको हमें एक ऑप्शन मिलता है सेलुलर विद सैटेलाइट, अगर आपको वाला एक आईफोन है, तो अगर सपोज कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सैटेलाइट की मदद से भी अगर कॉल्स आप नहीं कर पा रहे, तो आपकी एप्पल वॉच क्या करेगी, कंपास एप्लीकेशन के अंदर आपको वो लास्ट वे पॉइंट दिखाएगी जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल थी या जिस पॉइंट पे आप सैटेलाइट की मदद से आप कॉल्स यहाँ पे इनिशिएट आप कर सकते हैं। तो ये आपको इस सर्कल के अंदर वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगी और उस वे पॉइंट पे आप जाकर उस कॉल आप यहाँ पे इनिशिएट आप कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम सैटेलाइट से हम कॉल सपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एप्पल वॉच हमें बताएगी कि आप उस जगह जाओ, आपको उस जगह यहाँ पे नेटवर्क मिल जाएगा। तो एक मतलब आपका एक एप्पल वॉच आपका एक सपोर्टिव फीचर, एक सपोर्टिव हैंड है कि अगर उस अगर कुछ सिचुएशंस में आपको अगर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा या कभी सिचुएशंस में आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो आपकी एप्पल वॉच आपको मदद करेगी। तो ये एक मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है जो मुझे लगता है कि मस्त था और एप्पल ने वॉच ओएस 10 में ये फीचर दे दिया। तो हैट्स ऑफ टू एप्पल की एप्पल ऐसे नए कमाल के फीचर जो हमारी लाइफ को भी सेव कर सकते हैं और हमारे हेल्थ को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो एप्पल उन फीचर्स को यहाँ पे दे रहा है। और कोई भी पार्शियलिटी नहीं है कि खाली इन एप्पल वॉचेस पे काम करेगा, इन पे नहीं करेगा, ये सारी एप्पल वॉचेस पे यहाँ पे काम करता है। तो अब तक दोस्तों आपको अगर वीडियो यहाँ पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो एप्पल वॉच नहीं लेते, एप्पल वॉच खरीदने का सोच रहे हैं, जिनके पास एप्पल वॉच है, तो उनको इस फीचर यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है नए वॉच फेसेस, जहाँ पे अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, जहाँ सपोज अगर हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस मैंने किया और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे हमें जाना है प्लस वाले आइकन पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नया टैब मिलता है न्यू वॉच फेसेस का। तो यहाँ पे एप्पल ने हमें कुछ नए वॉच फेसेस दिए हैं, जहाँ पहला वॉच फेस आपको मिलता है नाइकी ग्लो, जहाँ पे इस वॉच फेस के अंदर क्या होगा कि आपको एक ऐसा व्यू मिलता है, सपोज मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, तो आपको इस वॉच फेस में क्या है कि आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा, बीच में आपका टाइम होगा, पीछे एक ग्लोब होगा, एक अर्थ की शेप जो एप्पल ने नेट फॉर्म में दी है, और यहाँ पे अपन मनपसंद कोई सा भी यहाँ विजिट्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेदर का लगा हुआ है, नीचे एक्टिविटी का है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप कस्टमाइज आप कर सकते हैं। और अगर आपको सपोज को डिलीट करना है तो यहाँ पे उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जाएंगे दोबारा प्लस पे नए वॉच फेसेस, यहाँ पे एप्पल ने और भी नए वॉच फेसेस दिए हैं, जैसे कि पैलेट दिया है जहाँ पे ये जो आपका जैसे जैसे आपका यहाँ पे क्लॉक आगे मूव करती है तो उस हिसाब से आगे कलर्स भी मूव करते हैं और कलर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ में एप्पल ने किड्स के लिए नया ये दिया है स्नूबी, एक कार्टून है जो एप्पल ने यहाँ पे दिया है, तो ये एक नया वॉच फेस है। और लास्ट वॉच फेस हमें देखने को मिलता है सोलर एनालॉग, तो इसमें क्या होता है कि इसका भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल पैलेट की तरह है, जैसे जैसे आपकी ये निडल्स यहाँ पे मूव करती हैं उस हिसाब से जो नीचे लाइट है वाली, तो ये भी उस हिसाब से यहाँ पे मूव करती है। तो ये कुछ नए वॉच फेसेस हैं जो यहाँ पे एप्पल ने हमें दिए हैं।
तो गाइज ये कुछ कमाल के फीचर्स है जो हिडन फीचर्स जो एप्पल ने अपने वॉच ओएस 10 के अंदर दिए। तो इसमें से जो मैं आपको दो तीन फीचर्स बताए, एक आपकी साइकिलिंग वर्कआउट से रिलेटेड और बाकी दो फीचर्स आपके कंपस से रिलेटेड। तो ये दोस्तों वाले फीचर्स ऐसे हैं जो एप्पल को बहुत पहले दे देने चाहिए थे, पर एप्पल ने वॉच ओएस 10 के अंदर दिए, क्योंकि एप्पल वॉच ओएस को इतना से 10 साल पूरे हो गए। तो एप्पल ने मतलब वॉच ओएस 10 में सारे बहुत मतलब इतने सारे फीचर्स डाल दिए जो हमें कभी एक्सपेक्टेड नहीं थे। क्योंकि दोस्तों एप्पल की ना यही कोशिश रहती है शुरू से कि जो डिवाइसेज हैं वो यूज़र फ्रेंडली रहे, कि वो किस वे में लोगों को यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो एप्पल वॉच सच्ची में एक हमारा ट्रू कंपेनियन है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एप्पल अपनी एप्पल वॉचेस को इतना कैपेबल बना रहा है। इवन दोस्तों मतलब मुझे 2 साल हो चुके हैं एप्पल वॉच यूज़ करते हुए, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको अपना शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरा यहाँ पे एप्पल वॉच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 सालों का, और इसने मुझे किन किन चीज़ों में यहाँ पे सेव भी किया और किन किन चीज़ों में मुझे अलर्ट्स भी दिए, तो वो एक अगर वीडियो यहाँ पे चाहते हैं तो नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो वीडियो यहाँ पे जरूर बना के दूंगा। वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगी अगर आप एक एप्पल वॉच खरीदने का यहाँ पे सोच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे बहुत बहुत पसंद आई है, और अगर वीडियो यहाँ पे पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनके पास एप्पल वॉच है, और जिनके पास नहीं भी है वो अगर लेने का सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप खाली अपना भला नहीं कर रहे, आप दूसरों का भी भला करें ताकि वो भी इन हेल्थ फीचर्स को एसेंशियल फीचर्स को यहाँ पे जान पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।